बिग बॉस सीजन 15 को कुछ खास टीआरपी नहीं मिल रही है, लेकिन मेकर्स फिर भी अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिशें करते नजर आते हैं। सेलिब्रिटीज को लाते हैं, नए मेहमानों को लेकर आते हैं, लेकिन टीआरपी जो कि त्यो है। लेकिन फिर भी इस सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला के नाम का इस्तेमाल कर टीआरपी गेन करने की कोशिश की गई है, फिर चाहे वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली। और आज हम आपको इस वीडियो में इसी बारे में बताने वाले हैं कि 7 बार किस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला के नाम का इस्तेमाल किया गया है बिग बॉस सीजन 15 में। तो मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला के नाम का इस्तेमाल सलमान खान ने तब किया था जब सारे घर वाले ही एक दूसरे को लेकर ठीक तरीके से क्लियर नहीं था। तो वीकेंड कवार पर सलमान खान ने घर वालों को कहा था कि एक था सिद्धार्थ शुक्ला जो एक ऐसा इंसान था जिसके खिलाफ सारे घर वाले थे, सबके पास सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला का था पॉइंट और वो वन मैन आर्मी था और तुम लोगों के पास कोई पॉइंट्स ही नहीं होते हैं। इसके बाद तब जब उमर रियाज और रश्मि देसाई सिगरेट एरिया के पास होते हैं और उमर रश्मि से कहते हैं कि रश्मि तेरा फेवरेट एरिया। इसके अलावा तीसरी बार तब इस नाम का इस्तेमाल किया गया जब 12 दिसंबर को सिद्धार्थ शुक्ला का जन्मदिन था और सलमान खान ने सिद्धार्थ शुक्ला को जन्मदिन की बधाइयां दी थी और उनके फैंस को इस दिन के लिए शुभकामनाएं दी थी। इसके बाद देवोलीना भट्टाचार्य जी और रश्मि देसाई का जब झगड़ा हुआ था तो देवोलीना भट्टाचार्य जी ने रश्मि देसाई से कहा था कि सीजन 13 में भी तूने यही पैटर्न यूज किया था, किसी एक शख्स के पीछे लगी हुई थी तू, तुझे नहीं करना चाहिए था और तू अभी सेम मेरे साथ कर रही है। इसके बाद इसी बारे में बातचीत करते नजर आए थे उमर रियाज, करण कुंद्रा और निशांत कि जो कुछ भी हो लेकिन देवोलीना को इस तरह से सिद्धार्थ के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बात कही और अब इस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला के नाम का इस्तेमाल करना दैट्स नॉट गुड, क्योंकि उनके हिसाब से देवोलीना ठीक नहीं थी। इसके बाद रश्मि देसाई शमिता शेट्टी के साथ इस बारे में बातचीत करती नजर आई कि देवोलीना को इस तरीके से सिड के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। वो आज हमारे बीच में नहीं है बट स्टिल शी इज यूजिंग हिज नेम एंड दैट्स नॉट गुड, वो भी कैमरा के लिए, वो भी खुद के मुद्दों के लिए, दैट्स नॉट गुड। आपकी राय हमसे साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।